शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। क्या हुआ? क्या हुआ? बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई। क्या? अरे बहना, मैं तो तेरी बहादुरी चेक कर रहा था। तू बहना की बहादुरी बाथरूम में चेक करेगा? जो बहना के साथ ऐसा करते उसको क्या कहते हैं पता है तुझे? कब से हो गया तेरी? अच्छा आप लोग आ गए। अगर आप लोग नहीं आते तो पता नहीं मेरे साथ क्या खड़ा होता। ये क्या? ये सती सावित्री, ज्यादा होशियारी मत दिखा। कल रात को जब ये तेरे कमरे में आया तो इसके साथ उछल उछल के कार्यक्रम हो रहे थे। ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने क्या किया? सुना सेठ जी, सावित्री जी कह रही है मैंने क्या किया। क्यों? कल रात को जब ये तेरे रूम में आया तब तो तू कुछ नहीं बोली, है? अब चिल्लाने लगी। अरे इसमें से कौन से गुण है जो मेरे में नहीं है? अबे रुक ना। रात का छोड़, अभी का बोल। मामला, तू रात को इसके कमरे में गया था? गया था? इसके कमरे में गया था क्या? मैं तो सेठ जी शाम को 7 बजे के बाद सो रहा था। हे राम, ये दरिंदा कितना झूठ बोलता है। सेठ जी इसको पूछो, कल रात को तूने मेरे को बोला नहीं कि तू उसके रूम में गया था? अरे भैया, मैं जो 7 बजे सोता हूँ तो उसके बाद 1-2 नंबर करने के लिए उठता नहीं हुआ। मुझे मिला नहीं था? कब? तब? तब कब? सेठ जी मैं बोलता हूँ इस आदमी को यहाँ से निकालो। सेठ जी एकदम चुप चुप, तो पहले इसकी माफी मांग। माफी मांग। सेठ जी मैं माफी नहीं मांगूंगा, ये सब इस कमीने की वजह से हुआ। तू लंदन आ, तुझे तो मैं वहाँ देखूंगा। ऐसी बदमाशी अगर ये खुलेआम करेगा तो हम औरतों का लंदन में क्या होगा? माफी वाफी नहीं चलेगी, इस हवस के पुजारी को सजा मिलनी ही चाहिए। एक और सावित्री बोली। पुलिस को बुलाऊंगा, पुलिस को। अरे चुप करो, शोर मत मचाओ कमीना। वो ऑर्गेनाइजर सुने के तो क्या सोचेगा मेरे बारे में? साले तुम्हारी इज्जत नहीं है, मेरी इज्जत का तो कुछ सोचो। साले मेरी 30 साल की करियर में ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन जब से तुम दोनों आए हो मेरी उम्र दुगनी हो गई है। वो सब बात ठीक है, लेकिन इसको सजा तो मिलनी चाहिए ना। अरे कौन सी सजा, कैसी सजा? अच्छा भूल गया, वो सेठ जी नागपुर के अंदर जो शो हुआ था उसके अंदर वो ऑर्गेनाइजर की बेटी थी, उसको मैंने भैंस बुलाया था तो मुझे बर्तन मारने की सजा मिली थी, जबकि मैंने बुलाया भी नहीं था। और इसने तो किया है, इसको कम से कम कपड़े धोने की सजा तो मिलनी चाहिए ना। आज से 1 महीने के लिए सबके गंदे कपड़े तू धोएगा। खुश खुश, चलो जाओ सब अपने अपने कमरे में और गंदे कपड़े संभाल के रखो। नाम बोल। राणे हैं? राणे। और मेरा नाम माथुर। एक हो चू, तेरा पूछा क्या मैंने? हैं? ए सिर्फ राणे? नहीं, जनार्दन विशंबर राणे। अबे थान के ठर्रे, तू क्यों कूदा बीच में? आपने मुझे मेरा नाम बोलने से मना किया तो मैंने इसका बता दिया, अब ये चाहे तो मेरा नाम बता सकता है। शान पर नहीं करता क्या खुर्रात साला? उतार ये सब, उतारो ये जानवर। तो लिख, श्रीमान जनार्दन बिशंबर राणे आज चिड़ीमारी करता पकड़ा गया। कौन कौन है घर में? ए हरामी साले, क्या कर रहा है? हट, बंद कर फटक, बंद कर। आपने बोला ये सब उतारो। पैंट उतारने को बोला मैंने तुझे? गुलर के कीड़े, पैंट उतारने को बोला मैं तुझे? क्या बोल रही थी मैं? घर में कौन कौन है? मुंह बंद। घर में कौन कौन है? दो बेटे। बीवी? गुजर गई। कब? 30 साल हो गए। लिख जानवर, 30 साल से राणे रणवा है। विदुर, जो भी लिख, ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि हवस का भूखा रंडवा चिड़ी मार बन गया। ये ट्रॉफी यहां कैसे आई? फौरन रख उसे, रख दे वापस। तेरी क्या कहानी है? मैं कुंवारा हूं। अबे बुड्ढे, तेरी शादी नहीं हुई क्या? मैं क्या पूछ रही हूं, तेरी शादी नहीं हुई बुड्ढे? हुई थी एक बार। तो छिपकली के मूत फिर तो कुंवारा कैसे हुआ? मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई, इसलिए मैंने उसे तलाक दे दिया। वाह वाह, बड़ा कद्दू पे तीर मार लिया तूने। बच्चे? टाइम ही कहाँ मिला, मंडप से ही ठेंगा दिखाकर भाग गई। चलो वो तो बची। बच गई साली, कहाँ है अब? अरे चुप रहे। लेकिन जो भी बलात्कार के केस हैं, जिनके मुजरिम लापता है, दोनों पे थोप दो सालों पर। इन कुत्तों से कबूल कराना तो मेरी उंगली का मैल है। देख क्या रहे हो, सीधे खड़े रहो। आपके घर से और क्या क्या सामान चोरी हुआ है? गहने सारे चोरी हो गए। उस वक्त रात के कितने बजे थे? रात को 2 बजे। आप उस वक्त सो रहे थे? नमस्ते। यस। एसीपी साहब हैं? दो लफंगों को तोड़ रही हैं। ओ, नाम क्या है उनका? इंस्पेक्टर बीबी।
और इन दो जालिम लफंगों ने 14 साल की नाबालिग लड़कियों के साथ जोर जब कौन हो भाई? मैं बस दरअसल हैं? मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है? जी नहीं, मैं पहली बार पुलिस स्टेशन आ रहा हूं। गौरव, आपको मेरा नाम कैसे पता? अरे मैं भवानी भागमार, तुम्हारी पुरानी टोली, पहचान नहीं रहे मुझे? कितनी पार्टियां मनाते थे हमारे छत पे। अरे विकी की बड़ी बहन यार, भवानी। अरे आप चपरासी के साथ भाग गई थी कॉलेज में, फैमिली ने वापस लाया था। अरे क्या यार, ढिंढोरा मत पीट यहाँ पर। कोई बात नहीं, ये बात हम किसी को नहीं बताएंगे। अबे चल चाय चुए, वापस कोने में खड़ा रहे। कहा तो देख, साले के बीच में बोलता है। भोली भाली लड़की जो चीटी से भी डरती थी, आज जाबाज पुलिस ऑफिसर बन गई। अरे क्या बताऊं यार गौरव, हालात इंसान को पुलिस वाला तक बना देते हैं। लेकिन तू बता, तू यहाँ क्या कर रहा है? कंप्लेंट लिखाने आया है? अरे तू खाली नाम बोल, हड्डियों का विसर्जन करा दूंगी मैं, बोल। नहीं नहीं दीदी, कोई कंप्लेंट नहीं, मैं इनको छुड़ाने आया था। इनसे तुम्हारा क्या रिश्ता है? रिश्ता बोले तो ये मेरे बावर्ची लगते हैं। कौन? ये छल छबीला? सुबह सुबह सब्जी लेने निकला था, मैंने सुना पुलिस ने पकड़ लिया तुम्हें यहाँ आया। और ये नंगा? नहीं जानता। क्या तू मुझे नहीं जानता? मतलब इतना जानता हूं कि घर का संडास साफ करने आता है। दीदी बावर्ची को छोड़ दो ना। कैसे छोड़ दूं यार, अब FIR लिख चुकी है। दीदी भूखा मर जाऊंगा, आजकल लगे बाप मिल जाता है, बावर्ची नहीं। चल ठीक है, तू बावर्ची को ले जा, लेकिन इस अधनंगे को कोठरी में डाल दू। 100-200 उठक बैठक करा दो, उल्टा लटका दो, नीचे से लाल मिर्ची की धुनी दे दो, सस्ते में निपट जाएगा। चल निकल ले, लेकिन आइंदा कॉलेज के सामने नजर नहीं आना, समझे? राने मुझे अकेला छोड़ के। ए, खड़े रहे। मैंने तुझे बोला क्या करने के लिए है? नहीं लेकिन जल्दी करूंगा तो जल्दी खत्म होगा, तो मैं उनके साथ उनकी गाड़ी में घर जा सकता हूं। तू आया पुलिस की जीप में, जाएगा एम्बुलेंस में, समझे? तोंदू, चल लगा रे, शुरू कर। तू क्या कान दुकान पे बेच के आया है साला बेरा? इधर कचरा नहीं डालने का? ये तो तू नया है ना, इसके लिए मैं प्यार से बात करता हूँ। हाँ, ये गुलाब वाले तेरा नाम क्या है? लिसन जेंटलमैन, ये साला कौन सा नाम है? समझ में नहीं आता, इधर कचरा नहीं डालने का। I'm sorry. अबे सॉरी क्या, इंडिया समझा? हाँ, गुना करो, सॉरी बोलो, चलता रहो। अबे ये साला घन चक्कर को मैं एक कलाक से समझा भी नहीं, थकी गया। इधर कचरा नहीं डालने का, इसको बोल इधर से कचरा उठावे, वरना क्या? अबे ये वरना ने वाउना, बोल देता हूँ, मेरा दिमाग एक बार घूम गया ना, आ तो बिना सबूत के धो डालूंगा। अच्छा अच्छा, एक तो गंदा करता ऊपर से अच्छा बोलता तू, है मेरा दिमाग गरम हो गया ना? डैडी जी, मैंने टीवी पर देखा, टीवी दिमाग गरम हो गया ना? अबे टीवी हो या बाथरूम, मेरा दिमाग गरम हो गया ना? डैडी जी, इनके सर पर 2 करोड़ का इनाम है, ये इंडिया के अंडरवर्ल्ड के बहुत बड़े डॉन है। अंडरवेयर होके जाएंगे आओ, डॉन है तो क्या? डैडी जी, यही गुरु गुलाब खत्री जो लोगों को कॉफी पिलाकर मार डालता है, यही वो डॉन है। ये डॉन है? हाँ, बहुत बड़ा ये डॉन। तो उधर क्या बोल रहा था? अगर तेरा दिमाग गर्म हो गया तो तू क्या कर लेगा? नहीं, मैं बोल रहा था कि एक बार अगर मेरा दिमाग गर्म हो गया ना तो ठंडा भी फटाफट हो जाता है। ये क्या, तुम पहली बार आया ना इधर? बोलना चाहिए ना, पड़ोसी है ना। डालो इधर कचरा, डालो इधर, हम भी इधर ही डालते, इतना अच्छा जगह छोड़ के कितने डालेगा? डालो। अनमोल आचार्य, डेंटिस्ट, कभी भी दाखिला फड़ो तो बोल देना। हाँ बोल देना। और मेरा नाम है, क्या है मेरा नाम? ये साला सही टाइम पे मैं नाम भूल जाता हूँ। अभी मेरे को किसी ने बोला कि मणिलाल किधर जा रहा है, तो अभी ये बोला। अब ये मणिलाल? हाँ, स्मार्ट है। वो घर है ना, उधर मैं हाउस वाइफ हूँ, अरे अपना हाउस हस्बैंड हूँ। हाँ, उधर चाय पीना आ जाना कभी भी। हाँ ओके ओके, चलिए आप आइए हमारे साथ कॉफी पीजिए। किधर? आइए। नहीं नहीं, आइए। अरे भाई मेरे को काम है, उधर काम बाद में कर लेना, कपड़ा बर्तन सब धोने का भाई। तू तो आ, मुझे भी काम है। उतर उतर उतर। क्या बात है,
कोई तो आ मेरे साथ कॉफी पीने। सामने बंद कर दो और खिड़की पे पर्दा लगा दो, लुंगी लटका दो। ये साड़ी नदी पे चिल्ला रहे हो? रंजीत की साड़ी लगा दो पर्दे की तरह। अरे मेरा नाम रंजीत नहीं परमजीत। अरे तू कौन सी भी हार जीतो बाहरी इनाक से मोना। हमारे नेबर में इंडिया का बहुत बड़ा लोन आया जिसके सर पर 2 करोड़ का इनाम है। अरे इनाम मुझे भी देखने दो। अरे कहाँ जा रही हो? सर पर 2 करोड़ लेके थोड़ी ना घूमता है, मैं नहीं जाने दूंगा। मम्मी देखो अनमोल मुझे देखने नहीं देता। क्या आज फिर से तुमने मेरी बेबी का दिल तोड़ा? मैंने कुछ नहीं किया। तू जा और अच्छा हो तो मुझे भी बताना। अरे बेबी की बा, वो बायोस्कोप नहीं है गुंडा है, साला मार डालेगा, समझते नहीं है करमजीत तू। मेरा नाम करमजीत नहीं परमजीत है। तेरा कोई भी नाम हो गोली नाम देखकर नहीं चलती, घुस जाएगी के गले के अंदर। बंद कर दरवाजा बंद कर। मम्मी जी बहुत ही खतरनाक गुंडा है, कभी भी फायरिंग हो सकती है। सचमुच? हाँ। अभी हम क्या करेंगे? मैं तो बोलता हूँ 2 जोड़ी कपड़ा बांधो सीधा मुंबई। गुड आइडिया, मैं पैकिंग करता हूँ। तू पासपोर्ट ला, मैं जाकर टिकट निकालता हूँ। हाँ मैं पैसे देती हूँ, अभी के अभी टिकट लाते हैं। रुको, टिकट लाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं भी वही बोलता हूँ, बिना टिकट प्लेन में चढ़ जाते ना TCI का ना तो उसको $4-5 दे देंगे। हम लोग राजकोट में ऐसा ही करते थे। हाँ। कोई कहीं नहीं जा रहा है, मैं तुम दोनों की चाल अच्छी तरह से समझ गई हूँ। डॉन का डर दिखाकर इंडिया भाग जाना चाहते हो? हाँ नहीं नहीं, ये तो सच्ची खतरनाक डेडली डॉन है ये। अगर वो डेडली डॉन है तो मैं भी डेडली डायन हूँ, उसमें तो कोई शक नहीं। Shut up! Just go to the kitchen and do your work. इतना अच्छा मौका हाथ से गया। चलो वही हाथ से खाना बनाते हैं। दामाद जी, कितनी लंबी सीढ़ी है ये। दामाद जी चलो 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 जल्दी पुलिस स्टेशन चलो। पुलिस स्टेशन क्यों? अरे भाई ये है ना, मैंने पुलिस के नाम ये लेटर लिखा है। लिखा है जरा देख लेना अंग्रेजी बराबर है कि नहीं है। क्या है ये? मैंने लेटर में लिखा है कि हमारे बाजू में ना इंडिया का बहुत बड़ा गुंडा रहता है, और मेरा साइन देखा, मैंने साइन अजीत के नाम का किया है। कौन अजीत? लिया तेरी सासू मेरी वाइफ। लेकिन डैडी जी ये जब गुंडे को पता चलेगा ना कि इन दोनों ने ये चिट्ठी लिखा है तो गुंडा इन दोनों को खत्म कर देगा, और बाद में पुलिस गुंडे को खत्म कर देगी। देखा एक चिट्ठी है दोनों की छुट्टी। चल जल्दी किक मार। चल ये गाड़ी है। हाँ तो हाथ से किक मारना भी लेट होता है। किक धक्का मारना पड़ेगा, बैटरी डाउन है। बैटरी डाउन है इसका। बोल कहो तो मैं छोड़ दूं। He is dangerous. हम लोग चले जाएंगे अपने आप। हो भाई अपने आप जाएंगे। हो भाई आइए लिफ्ट दे देता हूँ। लिफ्ट का क्या काम, हम तो ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं ना, लिफ्ट लेके ऊपर थोड़ी जाना है। हम चले जाएंगे। हो भाई चले जाएंगे। मेरा मतलब है गाड़ी में मेरी। नहीं 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 हम लोग चले जाएंगे। 15 तो माइल जाना है, 7.5 ये चलेगा, 7.5 माइल चलूंगा। ऐसे जाना कहाँ है? पुलिस स्टेशन नहीं जाना। पुलिस स्टेशन? नहीं नहीं पुलिस स्टेशन नहीं, पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस जाना। ये देखो ना मेरे को लेटर भी पोस्ट करने का। ये रख अभी संभाल के। आप रखिए, आप बड़े। अरे भाई तू छोटा है ना, तू रख संभाल के गांडा। आप डैडी का बड़े ना। लाइए मैं पोस्ट कर देता हूं। नहीं नहीं आप क्यों तकलीफ कर रहे, हम लोग पोस्ट कर देंगे। क्या बात है, बड़ी जवानी फूट रही है तुम में। कुछ खास लिखा है अंदर? खास क्या इसमें, आपके बारे में नहीं लिखा। खास नहीं आपके बारे में, मेरे बारे में लिखना भी मत, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कोई मेरे बारे में लिखे पढ़े या समझे। समझे? सही बात है ना। देखो हम तो आपको पहचानते भी नहीं, हमको तो मालूम भी नहीं है कि आप इंडिया से आए क्या जी? और इसको तो ये भी मालूम नहीं है कि आपके सर पे इनाम है, और वो भी 2 करोड़ का। आइडिया है तेरे को? नहीं है? बोल। चलो क्या है, मेरे बारे में कोई बातचीत करे या कानाफूसी करे मेरे को अच्छा नहीं लगता, मेरा खून खोल उठता है। जब मैं पैदा हुआ तो सीधे डॉक्टर को काट लिया था। क्यों क्यों काट लिया? क्यों? चिल्लाने लगा, बधाई हो आपके घर में बेटा पैदा हुआ, बधाई हो आपके घर में बेटा पैदा हुआ, ये कोई बोलने की बात है? काट लिया, मर गया साला। अभी मैं काटता नहीं हूँ। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ कि गुस्से पे काबू कर लिया। लेकिन आदमी जैसे बड़ा होता है ना वैसे सुधर ही जाता है। अच्छा, अब मेरा बोलता पोपट काटता है। बोलता पोपट? ये तुम्हारे पास पोपट है? ले, हमने तो कभी देखा ही नहीं है। वाह, दिखाता हूँ। पोपट जेब में रखता है, ते ऐसा जेब में रखता है तो वो चांच नहीं मारता है, है? कर दे यार तू अंदर हो तो।
ये पोपट नहीं है, है ना? आपको किसी ने बेवकूफ बनाया है। ये चाकू है, चाकू चाकू। हाँ, इसे क्या है, वो घर में सब्जी काटते ना, ये वो पोपट नहीं है। ये बोलता पोपट ही है, इसकी चोंच अगर किसी आदमी को छू लेना तो वो फटाफट पोपट की तरह बोलना शुरू कर देता। तुम दोनों मुझे बहुत भोले और मासूम लगते हो, इसलिए मैं तुम दोनों को 3 लाइफलाइन दे देता हूँ। पर टाइम प्लेट भाई, चौखट कर लिए, 3 माने इसका 3 और मेरा 3, माने टोटल 6 ना, है? तो समझो नहीं, टोटल 3, 1.5 तेरा, 1.5 मेरा, क्यों? हंस नहीं, ठोक से। I love your smile, I love your smile. मेरी भी अच्छी है। चलो आओ कॉफी पी। नहीं नहीं मेरा उपवास है, मेरा भी उपवास है। आओ ना कॉफी पीते हैं। दादाजी और करूं? दादाजी आपका किसी से झगड़ा वगड़ा तो नहीं है? झगड़ा? अंधा कहाँ जाएगा लड़ाई झगड़ा करने, उधार की जिंदगी अपने आप से ही लड़ रहे हैं। नहीं मेरा मतलब है किसी से उधार या कुछ। हाँ वैसे तो उधार था मेरा एक पे, तेरे बाप पे, वो उसने चुका दिया बेटे, तुझे यहां जो भेज दिया। दादा दादी अंदर आ गया वापस। गया तू? दादी दादाजी जीते रहो जीते रहो। अरे तू वापस फिर से कैसे आ गया भाई? चिप से। अच्छा फ्लाइट के पैसे नहीं थे? अरे थे दादाजी, बिजनेस सेट होने ही जा रहा था कि तकदीर ने टांग दे दी, पूरा लॉस एंजलिस हो गया। लॉस एंजलिस। समीर ये हमारा नौकर पांडू है। अच्छा मिस्टर पांडू, अब आप वापस कब जाओगे भाई? कम ऑन दादाजी, अब मैं जिंदगी भर यहीं आपके चरणों में पड़ा रहूंगा। ये बेचारा नौकरी करके पैसे बचाता है और फिर बिजनेस करने दुबई चला जाता है और वहां से कंगाल होकर फिर से गोवा। ये क्या दादाजी, ये क्या, कुछ दिनों के लिए मैं चला क्या गया, आपने नया नौकर रख लिया? नॉट फेयर। ये नया नौकर नहीं है, ये हमारा पोता समीर है। स्टूपिड। अरे बचपन में तूने इसे देखा था, लॉलीपॉप खाता था, छोटी चड्डी पहनता था, बड़ी शरारत करता था। समीर इतना बड़ा हो गया? अरे तू तो बच्चे से आदमी बन गया। तू भी तो आदमी से बंदर हो गया। आप कौन? अरे वही तो समीर है, बचपन में देखा था, लॉलीपॉप खाता था, छोटी चड्डी पहनता था, बड़ी शरारत करता था। ये समीर है। ये कौन है? अरे वही तो समीर है, बचपन में देखा था, लॉलीपॉप खाता था, छोटी चड्डी पहनता था, बड़ी शरारत करता था। ओके, ये समीर है। हाँ ये समीर है, ये समीर है, ये कौन है? अबे बोला ना मैं समीर हूँ। बचपन में देखा था, लॉलीपॉप खाता था, छोटी चड्डी पहनता था, बड़ी शरारत करता था। करेक्ट। माना कि तुम समीर हो, तो फिर बाकी 3 कौन है? 3 तो फिर से पी के आया पांडुरंगा इस घर में, नशा किया है तूने? वही सोचूं मैं दादाजी, ये हिल क्यों रहा है? तू चुप। दादाजी 3 नहीं, 4 समीर है। इसे 4 भी दिख रहे हैं अब। 4? तूने क्या मिक्स किया है पांडुरंग? बता तू क्या पी के आया है, क्या पी के आया तू बोल। दादाजी मिक्स तो दूर की बात, मां कसम, मां की कसम खाता दारू पी के। दादाजी मैं आपको दिखाता हूं, सुंघाता हूं। क्या हुआ? अरे दादाजी ये तो चल भी नहीं पा रहा है अब, पर इससे तो बात करना ही बेकार। अरे सुनिए हमें मंदिर जाना है। समीर बेटा। हाँ जी। ले जाएगा ना? बहुत बेकार हो गया है ये पांडू, पता नहीं कितने पापड़ बेले मैंने नताशा को पटाने के लिए। क्या बात करता है, तूने बताया नहीं कि तेरा पापड़ का धंधा है? तू चुप ना रे, मैं तो यार लड़की के पास डिटेक्टिव बन के आया था, डिटेक्टिव। मैं तो डिफेक्टिव बन के आया था, डिफेक्टिव। आती थी सुपरमार्केट में सामान खरीदने को, और साथ में उसका येड़ा भाई गोलू,
एक दिन मुझे पता चला कि उसका भाई चल बसा है। मैंने सोचा ये येड़ो लोगों से तो बहुत प्यार करती है, घुस गया उसकी गाड़ी के नीचे, झूठ मूठ का एक्सीडेंट करवाया, हाथ लूला, ऐसा याददाश्त खोने की एक्टिंग करके घुस गया उसके घर में। मैं भी नताशा के बाजू के बंगले में नल फिट करने गया था, उधर से ही नताशा को देखा तो दिल का नट बोल्ट ढीला होकर वाइसर लीकेज करने लग गया। लेकिन तुम दोनों ने मेरा गेम ही बिगाड़ दिया। ए, हम दोनों ने नहीं, गेम तो वो साला तीसरा बिगाड़ेगा। अरे हाँ यार, पता नहीं वो अचानक कहाँ से टपक पड़ा। अरे वो टपका नहीं रे, वो लड़की का पुराना आशिक है। हाँ, कॉलेज का फ्रेंड है उसका। साले इस वक्त दोनों कहाँ होंगे और क्या कर रहे होंगे? वो कहाँ होंगे और क्या कर रहे होंगे वो तो तुम्हें सिर्फ एक ही आदमी बता सकता है। कौन भाई? ये आदमी है। करण, तुमसे मिलकर ऐसा लगता है जैसे बहुत सालों बाद कोई अपना मिल गया हो। गोलू के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। क्यों, तुम्हारे वो तीन दोस्त हैं ना? वो तो हैं, खास करके टॉमी, वो तो मुझे जान से भी ज्यादा प्यारा लगता है। रिपीट रिपीट नताशा, प्लीज रिपीट, सुन लंगड़े सुन। उसे देखते ही मुझे गोलू की याद आती है, भगवान ने एक भाई छीन लिया तो दूसरा भेज दिया। पीट पीट अपना सर पीट। और संजू, संजू संजू इज अ डार्लिंग टू मी, वो नहीं होता तो पता नहीं मेरा क्या होता। वो मेरे दिल के बहुत करीब है, वो तो मुझे अपनी बहन मानता है, मैं भी उसको अपने बड़े भाई से कम नहीं समझती। पीट पीट साथ में पीट, साथ में पीट। और वो तीसरा रॉकी, रॉकी जैसा लड़का मैंने आज तक नहीं देखा। स्मार्ट, हैंडसम, फनी, चीयरफुल, लेकिन सब दिखावा है। अंदर से वो इतना झूठा, मक्कार, फ्रॉड और मर्डर निकलेगा। खैर, इन सब की छोड़ो, तुम अपनी बताओ, तुम अभी भी गिटार बजाते हो? नहीं, उस बार तुम्हारे इंतजार में आखिरी बार बजाया था, फिर कभी नहीं। तो आज हमारे मिलने की खुशी में बजा लो। यहाँ? यहाँ नहीं, घर पे। मेरे पास गिटार है, तुम मेरे लिए गिटार बजाना, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाऊंगी। कॉफी विद करण? इससे पहले कि वो गिटार बजाए उसको जाके